तो भाई इस टावर की बात कर रहे थे हम, ये वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट टावर है। तो भाई थोड़ी बढ़िया वाली जो सरोजनी नहीं है वो है ये, गोपाल सुनार भी है यहाँ पे। 50,000 का चूना लगा दिया तुम्हारे भाई ने, सबसे बेस्ट टाइप आ रहे पूरे मलेशिया के अंदर। अच्छा जी, ट्विन टावर्स वेरी फेमस। कटप्पा भाई कह रहा कस्तप्पा मेरे मुंह से भी बड़ा। तो हाँ जी भाई, ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया है और 2 घंटे का आराम भी कर लिया है, दोबारा रिफ्रेश हो गए एकदम बिल्कुल लाइक अ फाइटिंग टाइगर की तरह। और अब चल रहे हैं नीचे, देखते हैं लोकल मार्केट है, ट्विन टावर्स है और 2-4 चीजें और हैं आज के लिए, तो वो कवर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये होटल चेक, ये डॉक्टर साहब चेक और ये तुम्हारा भाई भी चेक। तो भाई इस टावर की बात कर रहे थे हम, ये वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट टावर है, इसका नाम मैं याद नहीं रख पा रहा, इसको लिख दूंगा मैं इधर कहीं, अभी देखते हैं और कुछ पता चलता है इसके बारे में तो वो भी बताते हैं। और ये है यहाँ की मेन एंट्रेंस, ये पेटलिंग स्ट्रीट। तो ये एरिया है सियांगी कोलालंपुर, पेटलिंग स्ट्रीट, चाइना टाउन। तो ये पूरा इन्होंने चाइना थीम दे रखी है, ये देखो जूम करके मैं आपको दिखाऊं, बढ़िया सी मार्केट है, थोड़ी फ्रूटिश खुशबू आ रही है, जैसे मतलब फ्रूट मार्केट में आती है ना एक, तो वैसी सी खुशबू आ रही है। तो देखते हैं क्या मिलता है, नारियल पानी पीने का मन है, यहाँ का फेमस है कटहल और नारियल पानी, वो लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। व्हाट इज दिस? चेस्टनट। तो भाई थोड़ी बढ़िया वाली जो सरोजनी नहीं है वो है ये, दिल्ली की जनपद सरोजनी। तो भाई अब सभी ने बताना ये मलेशिया ने कौन से सन में वर्ल्ड कप जीता था फीफा। कुछ चीजें तो हैं जो बहुत ही मतलब वाकई में रीजनेबल प्राइस पे हैं, बैग्स वगैरह भी, मतलब ट्रॉली बैग जो आपका बड़ा वाला मीडियम साइज वाला है यहाँ पे 1400-1500 रुपए में मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का। और कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी एक्सपेंसिव भी हैं, देखो मेरे को तो चप्पल लेनी है, चप्पल ढूंढ रहे हैं कि कहीं मिल जाए तो उसको ले और फिर आगे के ट्रिप पे यूज़ करें। यही जूते लेके चल रहा हूँ मैं तो, नहीं तो। तो भाई आज का इवनिंग ब्रंच जो है वो यहाँ होने वाला है, टेक्सास चिकन ओपन 24 आवर्स, 24 घंटे ओपन रहता है ये, है डॉक्टर साहब 24 घंटे। चलो बढ़िया, फ्री रिफिल है यहाँ पे, ऑर्डर लो आप, ऑर्डर करो और उसके बाद में फ्री रिफिल लेते रहो जितना मर्जी। देखो हम तो लेते नहीं कोक खा, कितना दो, देखो जितने पी जाएगी उतनी लेंगे, वेस्ट करने से क्या पता। ये भाई पहले तो लग रही थी सरोजनी और अब ये बन गया सोम बाजार, सोम बाजार, बुध बाजार, लोकल बाजार, वैसा सा बन गया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाला। हाँ यहाँ सब मिल रहा है, माइकल को, नाइकी, गोपाल सुनार भी है यहाँ पे, बढ़िया। तो भाई ये थी आपकी पेटलिंग स्ट्रीट, यहाँ से खाना वाना तो खाया, मार्केट भी अच्छी है, सरोजनी, जनपद, सोम बाजार, कुछ भी कह सकते हो आप यहाँ का। और उसके बाद में आइसक्रीम ली है हमने, काफ़ी हद तक नेचुरल्स वाली आइसक्रीम का टेस्ट है। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं, एक यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है तो वहाँ देखते हैं कुछ मिलता है ढंग का। एक मेरे को आप सभी के लिए लेना है, एक एक्शन कैम लेना है और एक गिम्बल लेना है, तो अगर मिलेगा अच्छे रेट पे तो लेंगे ज़रूर। यहाँ पे दिखाते हैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी मलेशिया की, कैब के अंदर भी 360 व्यू चल रहे हैं। हेलो,
तो भाई कोलालंपुर की सरोजनी से निकल गए, अब हम आ गए हैं साउथ एक्स में। तो ये यहाँ की है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है मलेशिया की, मलेशियाज लार्जेस्ट आईटी लाइफस्टाइल मॉल। तो देखते हैं यहाँ से अगर कुछ मिलता है अपने को ढंग का तो लेते हैं और आप सबको भी कराते हैं शॉपिंग। तो ये लो भाइयों, ये आ गया आपका DJI Air 3। ये भाई हमने दिल्ली से परचेज किया था 1.65 का। ये DJI Air 3 यहाँ पे पड़ रहा है हमें 1,32,000 रुपये का। बट ये चीज़ जो है ये प्रोहिबिटेड है इंडिया में, तो ये आपका कस्टम क्लियर नहीं करेगा, तो ये तो वेस्ट ऑफ मनी है। हाँ, इनका मुझे था कि अगर ये मेरे को एक्शन 4 अगर सस्ता मिलता तो मैं यहाँ से लेता, बट 2,000 रुपये का फ़र्क है ऑलमोस्ट। और सेम चीज़ गोज विद द गिम्बल, जो मोबाइल का गिम्बल है, तो फिर तो वर्थ नहीं बनता यहाँ से लेना। बाकी देखते हैं, और अगर कुछ दिखता है और किसी दुकानों पे तो फिर ज़रूर कुछ परचेज करते हैं, नहीं तो फिर तो इंडिया से लेना ही ज़्यादा बेटर है। तो भाई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है रेट में यहाँ पे। एक बार एप्पल सैमसंग अभी हमने देखा, सैमसंग में कोई ज़्यादा मेरे को तो फ़र्क नहीं लगा। 1,28,000 रुपये का फोल्ड 5 मिल रहा है यहाँ पे, जो कि इंडिया में भी मिल ही जाता है इतने का। तो देखते हैं, उसके बाद वॉच फ्री दे रहे हैं ये 18-20,000 रुपये की, तो सेम प्राइस में इंडिया में भी मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब को एयरपोर्ट लेने थे, उसके लिए आए हैं एप्पल में, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ। तो भाई यहाँ घुसे एक दुकान में, देखते हैं बच्चों के लिए कुछ मिल जाए ढंग का। आरू, रुद्रांश, शिवांश, शिवाय, युवान और एक हमारा वो है छोटा। वैसे तो नाम गिनने पे आऊँगा तो फिर ट्रिप मेरा पूरा ना यहीं खर्च हो जाएगा सब सारे भतीजे भांजियों का अगर नाम ले लिया तो। तो भाई ये पूरा मॉल है, बड़ा, बहुत ही बड़ा मॉल है। लेवल वाइज इन्होंने स्टेप कर रखा है, सबसे नीचे सारी लीडिंग कंपनीज के मेन वो हैं आउटलेट्स, सोनी, DJI, हुआवे, एप्पल, सबके। उसके ऊपर आके थोड़ा सा मिक्स फोन्स क्या है खाली कैटेगरी, अभी उससे भी ऊपर आया तो यहाँ पे लैपटॉप, प्रिंटर, TVs, प्रोजेक्टर, उन सब का है। तो भाई ये था प्लाजा लोयाट, और ठीक है मार्केट अच्छी है। प्राइस कंपैरिजन में देखा जाए तो अगर ढूंढोगे तो इंडिया के हिसाब से कहीं ना कहीं 2-3 हज़ार रुपये कुछ आइटमों में फ़र्क मिल जाएगा, पर 2-3 हज़ार के लिए मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से लेना चाहिए, तो इंडिया से ही ले लो। बाकी दुबई उबई से कोई आ रहा हो तो वहाँ शायद ज़्यादा सस्ता आपको मिल सकता है। बाकी नो डाउट मॉल बहुत अच्छा है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, अच्छे मतलब आउटलेट्स और अच्छी डील्स है इन पे। भाई ये डॉक्टर साहब लेके आए हैं हमें स्काई बार 51 में, ये भाई ऊपर से पूरी सिटी दिखती है, काफी अच्छा व्यू है। और ये देखो, ओए होए 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 ओए होए, लंबोर्गिनी देखो पीले कलर की लश्कारे मार रही है, ओए होए होए, AMG, BMW, वाह जी वाह। आज का डिनर महंगा है डॉक्टर साहब, आज मोटी पर्ची कटवाओगे तुम है। 51 फ्लोर है, एक लौता सबसे बेस्ट स्काई बार है पूरे मलेशिया के अंदर। अच्छा जी, और 51 फ्लोर पे है जहाँ से पूरा ट्विन टावर्स दिखता है, दिखेगा 360 पैनोरमिक पूरा। और क्रिसमस बड़ी जल्दी शुरू हो गया है यहाँ पे। तो चलते हैं ऊपर स्टोर पे और फिर दिखाते हैं आपको कैसा है व्यू, कैसा है नज़ारा। तो भाई अभी हम हैं 35th फ्लोर पे और ये 2 सेकंड हो गया है लिफ्ट को चले हुए, देखते हैं 51th फ्लोर पे ये कितनी देर में पहुंचती है। तो भाई 12 सेकंड में इसने 16 फ्लोर कवर करे हैं, विच इज प्रीटी मच इम्प्रेसिव।
और ये देख लो ये 360 टावर जो है पूरा बादलों में कवर हो रखा है, ऊपर तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। तो भाई ऐसा कुछ है नज़ारा स्काई बार 51 से, ऑलमोस्ट पूरा कुआलालंपुर दिख रहा है यहाँ से ऑलमोस्ट। और ये है यहाँ का फेमस ट्विन टावर्स, वेरी फेमस। और यहाँ नीचे फाउंटेन शो भी होता है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। बिल्डिंग्स जो है नो डाउट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। यह भाई है डॉक्टर साहब के मतलब की दुकान है, ये देख रहे हो जड़वा रखे हैं दांतों भी। ये पापा की परियों के लिए। तो भाई सुबह से ढूंढ रहे थे हम चप्पल, अब कोई ढंग की दुकान दिखी है, क्या पता यहाँ कुछ मिल जाए, तो देखते हैं कुछ मिलता है तो। ओके सर कुछ खिलाओ यार, यहाँ वो खिलाता हूँ शोरमा डोनट। शोरमा हाँ फिर ठीक है, बढ़िया ज़बरदस्त ज़बरदस्त वही होता है, मतलब चिकन वगैरह का ही ना भाई, एक तरफ बीफ होता है और एक तरफ चिकन होता है। हाँ तो हमने तो चिकन ही खाना है ना भाई, हिंदू धर्म और ये कर्म, बीफ की तरफ तो हाथ भी नहीं लगाना। नहीं नहीं बीफ नहीं भाई, चिकन फिर भी खा लेंगे बीफ बाप, ये तो वही बात है हिंदू धर्म पर ये करम। ये लाइन बढ़िया बोल दी डॉक्टर साहब ने भाई। अब दिखिए कुआलालंपुर की बढ़िया रौनक, अब आ रहा है स्वाद थोड़ा घूमने में, जनता जनार्दन दिख रही है ना। अरे डॉक्टर साहब इसी के लिए कह रहे थे क्या आप, शोरमे वाले के लिए? हाँ 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 चलो आओ चलें फिर। ऑथेंटिक ऑथेंटिक ठीक है, खा के बताते हैं अब ये तो। बहुत देर से ढूंढ रहे थे डॉक्टर साहब ये फुट मसाज वाला, ये कल से बूट पहने हुए थे इन्होंने तो इनके तो पैर दर्द हो गए, तो कह रहे थे कह रहे इधर ही है कहीं फुट मसाज वाला वो करा लेते हैं। मैं कहा ठीक है चलो लेके जा रहे हैं। देखो कहाँ अभी शोरमा खाया हमने, बढ़िया एकदम ऑथेंटिक शोरमा, बढ़िया मज़ा आ गया। और उसके बाद उसके साथ साथ हमने लिया वाटरमेलन जूस, वो भी बढ़िया था। अब ढूंढ रहे हैं देखो कौन सा बढ़िया है, किसका समझ आता है, वहीं फुट मसाज करा लेंगे एक बार, पैरों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सही जगह रहे कल थोड़ा ज़्यादा चल रहा है हमें, गैंगटिंग आइलैंड भी करना है और बाटू केव्स भी करना है, तो बस देख रहे हैं धीरे धीरे पैर दुरुस्त रहेंगे तो आपको घुमा पाएंगे, देखते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसका चस्का लग जाता है, तो बताते हैं आपको कैसा फील होता है इसका। ठीक है डॉक्टर साहब एक नंबर। तो भाई पहले ये मोहतरमा हमें अपॉइंट की गई थी, और ये जो सोमो साहब है ये डॉक्टर साहब को, फिर उन्होंने मेरे शरीर देख के मेरे जैसा बंदा मेरे को दे दिया कि हाँ मेरे लिए तो यही ठीक है। मैं डॉक्टर साहब से कह रहा हूँ कि भाई इनके हाथ का कोई एक थप्पड़ खा ले भाई साहब ना, उसको नज़ारे दिख जाए। टीम मेंबर है जिनका नाम है चिंटू, जिन्हें प्यार से हम गाइस भी कहते हैं। तो भाई वो गाड़ी मतलब बाइक चलाते चलाते भी वो बंदा सो जाता है, ठीक है। और एक ये बंदा है बैठे बैठे इसकी सांसें फूल रही है। तो ये भाई है हाँ कलाश्निको बड़ी माँ, ये भाई अपना विच विच वन टिम्बा नो ट्रिपल आर वाटर एंड फायर भाई साउथ का है बहुत बड़ा फैन भाई ने सारी गिनवा दी, लियो थलापति रजनीकांत रोकी भाई और वो आर 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 कटप्पा भाई कह रहा कस्तप्पा सब जान रहा है भाई। आफू 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 और इंडिया में हम बच्चों को डराते हैं कह के हाबू। तो भाई भाई से बात करके वार्तालाप करके थोड़ा सा मज़ा सा आ गया, भाई ने सारे साउथ के नाम गिनवा दिए हमें बढ़िया बढ़िया, फिर पाया ना भाई सबका।
करते हैं और थोड़ी बात फिर बात करते हैं। तो भाई अभी हमने कराई है फुट मसाज, बहुत ही बढ़िया फुट मसाज कराई है, ऐसा लग रहा है पैर नए से हो गए हैं। तो बस अब यहाँ की ये मार्केट है, मेरे को नारियल पानी का मन था शेक पीने का, तो उसके लिए रुके। ये रे, ये डॉक्टर साहब ले रहे हैं अपना नारियल शेक, कोकोनट शेक, और बहुत बढ़िया फ्रेश फ्रूट स्टॉल्स का वो लगा हुआ है। पूरी मार्केटिंग फ्रूट्स, बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं यहाँ पे, मतलब कोकोनट कोकोनट भाई नारियल। डॉक्टर साहब ने तो लिया है कोकोनट शेक, मैं ले रहा हूँ नारियल का पानी। देखो इनकी टेक्निक कैसे निकालते हैं। भाई ये नारियल का साइज देखो, ये ऐसे देखो, मेरे मुंह से भी बड़ा। और भाई देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई है, तो भाई मसाज भी करा ली, नारियल पानी भी पी लिया। अब एक स्पेशल रेस्टोरेंट था जो डॉक्टर साहब ढूंढ रहे हैं, 4 साल पहले जब आए थे, तो देख रहे हैं अगर मिलता है तो वहाँ खाना खाते हैं, नहीं तो यहाँ बारिश थोड़ा सा ऐसे ही चल रही है ऑन ऑफ, तो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर होटल चलते हैं, रेस्ट करते हैं और कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है।